इंदौर के प्रसिद्ध श्री रणजीत हनुमान धाम में 132वें रणजीत अष्टमी महोत्सव की शुरुआत दीपोत्सव के साथ हुई। इस दौरान मंदिर आस्था के हजारों दीपक की रोशनी से जगमगा गया। इस मौके पर रणजीत हनुमान के आकर्षक श्रृंगार ने भक्तों को आनंदित कर दिया। इस साल के दीपावली पर्व का भले ही समापन हो चुका है, लेकिन शहर के रणजीत हनुमान धाम में दीपावली जैसा नजारा दिखाई दिया। दरअसल रणजीत हनुमान धाम पर सोमवार से 4 दिवसीय रणजीत अष्टमी महोत्सव की शुरुआत हुई। इस दौरान पूरे मंदिर परिसर को हजारों दीपक से सुसज्जित किया गया था। आम श्रद्धालुओं ने भी अपने घरों से बनाए हुए दीपक लाकर इस महोत्सव के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। वहीं दूसरी तरफ मंदिर परिसर में फूलों और रंगों से निर्मित रंगोली ने भी सभी का मन मोह लिया। विशेष उत्सव के अंतर्गत रणजीत हनुमान का भी आकर्षक श्रृंगार किया गया था, जिसे निहारने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। रणजीत अष्टमी पर्व 4 दिनों तक मनाया जाएगा। 19 दिसंबर को सुबह 5 बजे प्रभात फेरी के माध्यम से रणजीत हनुमान भक्तों के बीच नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे, जिसमें देश विदेश के श्रद्धालु शामिल होंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।